हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो फिर से लॉन्च हो गए हैं दो ड्रोन्स। DJI ने 21 मार्च को लॉन्च किए थे, एंड खास बात इसमें यह जो अब तक रिक्वायर्ड था और जो अब तक इंतज़ार था लोगों को ड्रोन्स के अंदर और एक्सपेक्टेड था DJI से, वाटरप्रूफ। तो ये जो ड्रोन्स हैं कमर्शियल हैं, कमर्शियल का मतलब है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हैं, मतलब हमारे कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाए हैं। यूज़ कर सकते हैं अगर आपका पैसे बहुत हैं तो। बहुत महंगे ड्रोन्स हैं ये और काफ़ी पावरफुल ड्रोन्स हैं। तो सबसे बड़ा USP इनका नंबर वन पे है कि आपने बारिश हो तब भी ये उड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें बेसिकली आपको मिलेगा 41 मिनट्स का एक बैटरी पे फ्लाइट टाइम, बहुत ज़्यादा ह्यूज। और इसके अलावा विंड रेजिस्टेंस, क्योंकि काफ़ी पावरफुल ड्रोन है, विंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, एंड 7000 मीटर तक इसका सर्विस सीलिंग मतलब आराम से पहुंच सकता है, जो कि एक सेफ जो लिमिट कहते हैं वो है इसकी। बाकी 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दौड़ता है, मतलब उड़ता है, सॉरी, दैट इज़ द मैक्स स्पीड, एंड यू कैन सी दैट हाउ पावरफुल इट इज़। बाकी सेंसर से भरपूर चारों तरफ, एंड ट्रांसमिशन बहुत ज़बरदस्त है इसमें। चार एंटीना लगे हैं जो कि OcuSync 3 एंटरप्राइज को सपोर्ट करते हैं, जिससे बेसिकली आपका ट्रांसमिशन फुल HD में आपको मिलेगा और काफ़ी बढ़िया आपको रेंज मिलेगी। नो मैटर जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग्स आपको आसपास हो, ड्रोन आपका कभी डिसकनेक्ट नहीं होगा। लाइट वेट है और पोर्टेबल है, बट एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर ड्रोन वैसे तो बहुत बड़ा ड्रोन है, बट जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया गया है। और M30 सीरीज का कहा जा रहा है इसको, एंड इसमें सब कुछ मिलेगा। कैमरे के अंदर आपको जूम मिलेगा एंड थर्मल कैमरा मिलेंगे, लेज़र रेंज फाइंडर मिलेगा, मतलब सब कुछ जो जो आपको रिक्वायरमेंट है ना एक इंडस्ट्रियल ड्रोन में, एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सब डाल दिए DJI ने इस इंडस्ट्रियल ड्रोन में। तो एक तरह से ज़बरदस्त 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड, और मेजरमेंट एक्यूरेसी 2 डिग्री सेल्सियस, और जो लेज़र फाइंडर है वो 3 से 1200 मीटर तक आपको रेंज फाइंड करके दे सकता है। सुपीरियर इमेज क्वालिटी है इसके अंदर, इतना ज़बरदस्त कैमरा है तो सुपीरियर आपको मिलेगी। नाइट फ्लाइट का अलग से सेंसर्स लगे हुए हैं ताकि आप नाइट फ्लाइट, तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का कुछ यूजेस दिखाए हैं इसमें, जहाँ पर ये यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्मल कैमरा की फ़ोटो आपको साथ में दिख रही है, और पूरा स्कैनिंग आप इंडस्ट्रियल कर सकते हैं इसमें, पूरा मतलब हर एक चीज़ का एक्सपेक्ट किया गया है, जो एक्सपेक्टेशन है बेसिकली फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ड्रोन इसमें डाली गई। और ये है इसका ज़बरदस्त रिमोट, फ्लाइट कंट्रोल एक्सपीरियंस, बिल्ट इन स्क्रीन, ज़बरदस्त हैंडलिंग जो कि एक इंडस्ट्रियल ड्रोन को चाहिए, कमर्शियल ड्रोन पायलट्स के लिए है फ्रेंड्स ये। और IP54 प्रोटेक्शन यानी वाटरप्रूफ है रिमोट भी, और आपका बेसिकली ड्रोन भी, इसको बेसिकली DJI पायलट 2 कहा गया है, एंड सारा कुछ इसमें आपको एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हुए बिल्कुल मतलब कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। ओवर एंड ऑल ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त ड्रोन, नो वर्ड्स, एंड हेयर इज़ अ प्राइजिंग पैकेज, अराउंड $10,000 का है। और M30T पैकेज में आपको थोड़े सेंसर्स और कैमरा के अंदर फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, तो ये 14,000 प्लस का है। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्सेस, ह्यूज बॉक्सेस में पैक होके आता है, एंड बेसिकली कमर्शियल ड्रोन है, बट एज ए ड्रोन चैनल और सारे हम अपडेट्स देते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है आपको इसके बारे में बताना। अब ब्रीफ में आपको इसके स्पेक्स बता देते हैं। यू कैन सी अराउंड 400,000 का टेक ऑफ वेट है इसका, मतलब 4 किलो का ड्रोन है, मतलब काफ़ी हैवी कमर्शियल ड्रोन है ये, एंड जूम कैमरा, गिम्बल 3x, बाकी वो सब मेन मेन चीज़ें इसमें हैं। बाकी थर्मल कैमरा भी इसके अंदर डाला गया है, FPV कैमरा भी इसके अंदर है, सो लेज़र मॉड्यूल भी है, विजन सिस्टम्स भी, मतलब
ऑल एंड ऑल इंडस्ट्रियल पैकेज है ये, ऑक्यूसिंग 3 एंटरप्राइज से ये काम करता है, और ऑलमोस्ट इसकी 10-11 किलोमीटर रेंज आराम से आपको मिलेगी।